हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक और आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स यार, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं एक 9 वोल्ट के बैटरी को चार्ज करके दिखाया था। तो यार, आज के इस वीडियो में मैं 1.5 वोल्ट के सेल को चार्ज करने वाला हूँ। तो भाई, मुझे नहीं मालूम ये कितना परसेंट तक चार्ज होता भी है कि नहीं, लेकिन अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने का कोशिश है। और यार, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। अगर आप इस वीडियो को बीच में से पॉज करके चल गए भाई इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने, तो 100% चांस है आपका जो बैटरी है वो कभी भी चार्ज नहीं हो पाएगा, और ऊपर से ब्लास्ट और एक्सप्लोड होने का भी चांसेस है। ये ब्लास्ट या एक्सप्लोड तो नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट जरूर हो जाएगा। तो यार, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहो और मेरा कही गई बातों को ध्यान से जरूर सुनना। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक लाइट बल्ब ले लिया हूँ और इसको मैं यहाँ पे टेस्ट करके देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं भाई, ये कितना ज़्यादा डिम जल रहा है इस 1.5 वोल्ट के बैटरी से। बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो LED है या फिर कुछ भी कह लो, तो यार ये जो लाइट बल्ब है ये बहुत ही डिम जल रहा है। और ये जो लाइट बल्ब है, ये दिवाली में जो टीवी लाइट्स होते हैं ना, उसमें से मैं काटा हुआ हूँ। तो इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, कैसे भी घुमा के लगा दो ये जल जाएगा। हालांकि ये 12 वोल्ट पे भी अच्छी तरीके से जलता है, और 1.5 वोल्ट पे इतना डिम जल रहा है। तो यार चलो, इस पे हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस पे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और इसको रिचार्ज करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अडैप्टर मॉड्यूल ले लिया हूँ, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आप मेरे वीडियो को रेगुलरली देखते हो, तो आप इससे ज़रूर परिचित होंगे। तो भाई, मैंने एक वीडियो के दौरान एक अडैप्टर में से इसको निकाल लिया था, तो भाई मैं इसे वापस इसमें लगा देता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक चार्जिंग या फिर कह लो चार्जिंग अडैप्टर, हाँ जो भी हो, चार्जिंग अडैप्टर को मैं यहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ। तो बहुत लोग बोलेंगे भाई, तो इसको साइड में क्यों रखा है? तो भाई, इसको मैं साइड में जानबूझ के रखता क्योंकि भाई बरसों से यूज़ जो हो रहा है सैमसंग का ईयरफोन जो ऐसे ही पड़ा हुआ था, सोचा भाई इसी का चलो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन भाई, एक बात का मैं बहुत बड़ा ध्यान रख रहा हूँ, क्या कि भाई देखो, यहाँ पे आउटपुट 4.7 वोल्ट का है और इसका 5.5 एम्पियर है। इसका आप सोच सकते हैं भाई कितना ये भयानक हो सकता है, क्योंकि भाई हमें 1.5 वोल्ट के बैटरी को चार्ज करना है। तो अगर भाई जितना ज़्यादा हो सके मुझको, जितना कम हो सके उतना वोल्ट का मुझे लेना है। बेसिकली जो ये रिमोट कंट्रोल कार का चार्जिंग होता है, जो कि 2 से 3 वोल्ट का होता है, तो भाई उसी को मुझे लेना था, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया, इसलिए मैं इसे ले लिया। तो भाई, बहुत लोग बोलेंगे क्या करेगा तुम इस चार्जर के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से और इस चार्जर के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेगा? नहीं भाई, अगर ऐसा कर भी दिया मैं भूल के, तो भाई क्योंकि ये 1.5 वोल्ट का है तो और ज़्यादा रिस्क है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डायोड ले लिया है IN4007 का। तो बहुत लोग बोलेंगे ये क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो डायोड है, क्या करता है कि एक तरफ के इलेक्ट्रिसिटी को यह रोक देता है। जैसे मान लीजिए मैं इसे पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ देता, अब क्या होगा कि चार्जिंग जो हो रहा है, चार्जर का सारा पावर तो बैटरी में आएगा, साथ ही साथ बैटरी का पावर भी चार्जर में जाने लगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ये भाई शॉर्ट सर्किट का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मैं यहाँ पे जो डायोड होता है उसका सिल्वर कलर का जो लाइन होता है, सिल्वर कलर का, उसको मैं इस बैटरी के पॉजिटिव पे सोल्डिंग कर दूंगा अच्छी तरीके से। और ऊपर से इसे और मजबूत बनाना है, तो उसके लिए तो भाई इस पे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा टेप लगा दूँ, तो इस पे मैं थोड़ा सा टेपिंग भी कर देता हूँ। तो अब भाई क्या होगा कि जो बैटरी का पावर है वो नहीं जाएगा ये चार्जर में, चार्जर का पावर इसके अंदर आएगा। हालांकि ये भी थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि भाई चार्जर का सारा पावर इस बैटरी में घुसते जा रहा है। तो अब भाई देखते हैं। तो और मैं अगर इसको ज़्यादा देर तक लगाया चार्ज में तो भी बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो भाई मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, ये कहीं भी थ्योरी नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे करने से ये बैटरी चार्ज हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट में मे भी ये चार्ज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हालांकि ये लास्ट में चार्ज हो गया था, लेकिन भाई छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो यार, वीडियो को ज़रूर देखते रहो एंड तक, ठीक ना? अब भाई मैं यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ भूल गया था, मैं इसे डायोड को टेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो LED लाइट को, मतलब जो भी लाइट है भाई, उस लाइट को मैं यहाँ से जला करके देख रहा हूँ। तो ये लाइट नहीं जला, यानी हम लोग का जो ये डायोड है सेफ है, मतलब डायोड सही है और सेफ टू लगाने के लिए सेफ है। इससे क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि बैटरी का पावर है वो बैटरी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, अगर कनेक्शन जोड़ भी दे, क्योंकि यहाँ पे एक डायोड लगा है, ये सिर्फ एक तरह के करंट को पास करेगा। तो आप देख सकते हैं, इसे मैं फटाफट से लगा दिया। अब भाई मैं इसे ऑन करने से पहले मुझे भी हल्का नर्वसनेस हो रहा है, क्योंकि भाई 1.5 वोल्ट का बैटरी ये थोड़ा रिस्की ज़रूर है। तो अब मैं भाई इसे 5 सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑन कर रहा हूँ, फिर ऑफ कर दे रहा हूँ 3 सेकंड के लिए। ऐसे ही मैं 2 बार किया, उसके बाद लगते चलो भाई दूसरा और देर के लिए चार्ज में लगा दो। तो भाई यहाँ पे मैं 2 बार ऐसे करने के बाद 5 सेकंड के बाद ऑन रहा और फिर 3 सेकंड के लिए ऑफ, 2 बार ऐसे करने के बाद मैंने इसे 20 मिनट तक मैं इसे चार्ज में लगा दिया, ठीक है, 20 मिनट तक मैं इसे चार्ज में छोड़ दिया। उसके बाद डायरेक्ट मुझे इसको यूज़ नहीं करना है।
तो भाई इस वीडियो को देखते रहो। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक और बार था, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। अब मैं ऑन कर देता हूँ, इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। अब भाई 20 मिनट के बाद मैं तुरंत इसे टेस्ट करने आऊँ तो वर्क नहीं करेगा, इसलिए मैं प्लस 30 मिनट के लिए ऐसे ही स्विच ऑफ करके इस बैटरी को रख दिया हूँ। देखिए भाई इतना ज़्यादा ये बैटरी गर्म हो गया था कि भाई सच बताऊँ जैसे मैं इसे चार्ज में से निकाला डायोड के साथ ये बैटरी भी इतना गर्म हो गया। बैटरी तो नहीं, खैर डायोड तो एकदम मानो जल रहा हो। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोग का, मुझे तो लग रहा है भाई चार्ज थोड़ा तो ज़रूर हुआ होगा क्योंकि भाई डायोड वोड लगाए हैं, इतना मेहनत पानी में कैसे जाना चाहिए भाई, नहीं जाना चाहिए। और हल्का सा मुझे भाई लगाने में भी हल्का एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं भी जले या ना जले, हालांकि जलेगा ज़रूर, इतना विश्वास है मुझ पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहली बार में मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ था, लेकिन ये हम लोग का LED जरूर ग्लो हो गया था, लेकिन भाई ये 30 से 35 सेकंड के बाद वापस से अपना डिम लाइट पकड़ लिया। हालांकि ये 30 सेकंड तक आप देख सकते कितना तेज जला, उसके बाद अचानक क्या हो गया भाई ये बहुत ही ज़्यादा डिम हो गया। हालांकि मैं वीडियो बीच में हल्का सा रोक दिया था, मुझको नहीं मालूम था कि ये वर्क करेगा या नहीं, देखा भाई वर्क किया तो वापस से मैं वीडियो चालू किया और मात्र इस वीडियो में 5 से 6 सेकंड तक कैप्चर हो गया, लेकिन असल में भाई ये 30 से 35 सेकंड तक चला। अब भाई मैं क्या किया कि दोबारा फिर से इस बैटरी को मैं चार्ज में लगाया, हो सकता है भाई वापस से कुछ हो जाए, लेकिन चार्ज लगाने के बाद मैं देख रहा तो भाई अब वो उतना पावर से नहीं जल रहा है लाइट, अब भी ये डिम जल रहा है। भाई इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला फ्रेंड्स कि अगर ये 1.5 वोल्ट के बैटरी को मतलब सेल को मैं इस डायोड से कनेक्ट करके अगर चार्जर पर लगाया और यहाँ पर मैं 20 मिनट तक छोड़ा था, तो 20 मिनट तक छोड़ने के बाद ये जो लाइट बल्ब था इसको मैं इसे वापस से कनेक्ट किया, तो ये भाई क्या बोला जाए ये 30 से 35 सेकंड तक बहुत ही ब्राइट जला, उसके बाद अचानक से वापस ये डिम हो गया, जितना नॉर्मल पहले जल रहा था उतना ये वापस जलने लगा। तो भाई मैं दोबारा वापस से चार्जिंग पे लगाया तो ये भाई वापस से डिम जलने लगा। हालांकि बहुत हद तक ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करो, चैनल पर नहीं आता सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाओ। तो जल्द मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।